तो है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर इमरजेंसी में आप बाइक या कार चला रहे हैं तो आपको पहले क्लच प्रेस करना है या फिर ब्रेक। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अपने पास डोमिनार है। एंड कोई सा भी बाइक हो आपके पास या फिर कार हो, अगर आप नॉर्मल किसी भी स्पीड में चल रहे हैं तो आपको अगर इमरजेंसी केस में अगर ब्रेक लेना है हाईवे वगैरह पे या फिर नॉर्मल किसी भी रोड में, तो आपको पहले जो है वो ब्रेक प्रेस करना है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले आपको रेयर ब्रेक प्रेस करना होता है। तो पहले आप रेयर ब्रेक लीजिए एंड देखिए आपका स्पीड मेंटेन हो रहा है तो सही है, अगर नहीं हो रहा तो उसके बाद आपको आगे का ब्रेक प्रेस करना है। जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, लाइटली प्रेस कीजिए। अगर स्पीड फिर भी नॉर्मल नहीं हुआ है तो आप हल्का हार्ड प्रेस कर सकते हैं अगर ABS है आपके बाइक में तो। अगर ABS नहीं है तो दोनों ही ब्रेक आप मैच करके और अच्छे से प्रेस कीजिए। एंड उसके बाद आपका स्पीड अगर मतलब कि मेंटेन हो गया है, काम आपका उतना में हो जाता है तो ठीक है, आप नॉर्मली आप एक्सेलरेटर दे करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर उतना में आपका जो गियर है वो ज़्यादा ऊपर, जैसे कि 6 गियर में आप चल रहे हैं और आपका स्पीड 50 से नीचे आ गया है, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्लच प्रेस करना है। एंड उसके बाद आपको गियर शिफ्ट जो है वो डाउन कर देना है। एंड उसके बाद आप लोग वही 2-3 गियर में आप बाइक को या फिर कार को अपना नॉर्मली रन कर सकते हैं। सो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक था।